हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ CH3OH दैट इज मिथेनॉल बेटा एंड H2O दैट इज वाटर रिस्पेक्टिवली इन 60% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3OH। तो 60% बेटा वेट बाय वेट दे रखा है हमें, किसका? एक्वस सॉल्यूशन किसका बेटा? CH3OH का। इसका मतलब क्या है बेटा? सिंपल सा मतलब होता है कि 60 ग्राम बेटा मेरा CH3OH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो इसका मतलब अगर 60 ग्राम बेटा मेरा क्या हो गया? मिथेनॉल हो गया ना, CH3OH हो गया। तो बाकी बचा 40 ग्राम क्या होगा बेटा मेरा? ऑफकोर्स 40 ग्राम बेटा मेरा क्या होगा? वाटर होगा। तो यहाँ पे बेटा मेरा मिथेनॉल क्या है? सोलवेंट है, और वाटर क्या है? सोल्यूट है। एक बात इसका ध्यान रखना है। अब हमें निकालना है बेटा मोल परसेंटेज। तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं। तो मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा? मोल्स निकलते हैं गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, है ना। गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल, ठीक है। तो गिवन वेट इसका, अगर मैं CH3OH की बात करूं, उसका मोलिकुलर वेट कितना आएगा बेटा? कार्बन का होता है 12, ठीक है। चार हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे ना, तीन ये एक ये, तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू में 4 कर दो, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा मेरा? 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 16 32। तो 32 ग्राम पर मोल इज द मोलिकुलर वेट ऑफ CH3OH। बात करोगे बेटा वाटर की, तो वाटर का मोलिकुलर वेट निकालो बेटा, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बेटा मेरे CH3OH के, उसकी मोल परसेंटेज भी निकालनी है, ठीक है। तो CH3OH का मोलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बेटा? गिवन वेट कितना है? 60 ग्राम, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना है बेटा? 32 ग्राम पर मोल, है ना। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा? ग्राम से ग्राम गया, यहाँ पे चार की टेबल में बेटा 40 ग्राम मोलिकुलर वेट बताइए हमें, 18 ग्राम पर मोल है ना। तो ग्राम से ग्राम यहाँ भी गया। तो इसको सोल्व करोगे तो बेटा चार के टेबल में 10 पर, चार के टेबल में नहीं जाएगा बेटा, अभी छोटा दो के टेबल में करते हैं ना, दो के टेबल में 20 पर, दो के टेबल में 20 पर, और दो के टेबल में 9 पर। तो कितना आ गया बेटा मेरा? 20/9 मोल्स आ गया ना। हमें निकालना था बेटा मोल परसेंटेज दोनों का ही। तो पहले निकालेंगे मोल परसेंटेज हमारे मिथेनॉल का। मोल परसेंटेज का मतलब क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितने आए बेटा? 15/8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 15/8 प्लस 20/9, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखिए बेटा 15/8 कितना होता है? 15/8 होता है बेटा मेरा 1.875, ठीक है। तो ये 1.875 मैंने फिर से लिखा है यहाँ पर। 20/9 क्या होता है बेटा? ये होता है 2.22 इंटू में 100 कर दो। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, ये कितना आ जाएगा? 1.875 प्लस 2.222 होता है बेटा 4.097। तो ऊपर आएगा बेटा 1.875 डिवाइड बाई आएगा बेटा मेरा 4.097, है ना, इंटू में 100 कर दो बेटा परसेंटेज के लिए। तो 1.875 इंटू में 100 डिवाइड बाई 4.097 होता है बेटा मेरा 45.76। इसको अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ बेटा 45.8% लिख सकता हूँ। अगर बेटा मेरी परसेंटेज जो मिथेनॉल 45.8 है, तो मुझे पता है कि वाटर और मिथेनॉल दो ही थे बेटा मेरा, एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट था। तो टोटल में 100 में से माइनस करता हूँ तो वाटर क्या जाएगी, या फिर निकाल भी सकते हो तरीके से, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। वैसे सिंपल सा तरीका है बेटा कि देखिए, मुझे पता है परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा बेटा, मोल परसेंटेज ऑफ वाटर ना, मोल परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा? दोनों का मोल परसेंटेज मिला के क्या हो रहा था बेटा? 100 हो रहा था, ठीक है। तो 100 इसमें अगर मैं मोल परसेंटेज निकाल दूंगा किसका बेटा? मेरा मिथेनॉल का, तो मेरे पास वाटर का पता चल जाएगा, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट है, ठीक है। दोनों को मिला के 100 हो रहा है, ठीक है। तो इसका कितना आया बेटा मेरा? 45.8 आया मिथेनॉल का। तो कितना आ जाएगा बेटा ये? 100 माइनस 45.8 विच इज बेसिकली इक्वल टू 54.2। कितना होगा बेटा मेरा? 54.2 होगा ना, 54.2%। सिंपल से दोनों का सम मिला के कितना होगा देखिए, मोल यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मोल परसेंटेज ऑफ वाटर प्लस मोल परसेंटेज ऑफ मिथेनॉल कितना होता है बेटा? टोटल मिला के 100 होगा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, दोनों का मोल परसेंटेज मिला के कितना होगा बेटा? 100% होगा। बस अगर एक का बेटा 45.8 आया तो कितना हो जाएगा बेटा मेरा?
100 माइनस 45.8 के, दैट इज 54.2%। तो ये हमारा आंसर होगा। तो मिथेनॉल का कितना है बेटा मेरा 45.8, तो यहाँ लिख रखा है मिथेनॉल का 45.8, यहाँ पे वाटर का 54.2। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर वन। सेकंड में बेटा उल्टा लिख दिया, थर्ड और फोर्थ वैसे इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।